तो फाइनली गाइस जिस चीज़ का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया कब आएगा कब आएगा, तो फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ईयरली एक्सेस आ चुका है, जो मेरे को भी मिल चुका है एंड आप लोगों को भी बताऊंगा कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैंने जैसे देखो प्ले वाले बटन पर क्लिक करा, आपके सामने मेरा गेम ओपन हो चुका है। तो आप लोग अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारा जो गेम है वो फाइनली आ चुका है और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे आप लोग इसको डाउनलोड करके खेल सकते हो। एंड इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, आप सभी के मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी अकाउंट ट्रांसफर कैसे होगा। तो इस वीडियो के बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर में नहीं जाना, एक स्पेशल लिंक है जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर में दूंगा। अगर आप लोग वाली लिंक पर जाओगे तभी जाकर के आप लोग इसके ईयरली एक्सेस को डाउनलोड कर पाओगे, वरना प्ले स्टोर के ऊपर में अभी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को जो मैं लिंक दूंगा सिंपली या तो उसके ऊपर में क्लिक करो या फिर उसे कॉपी करके क्रोम के ऊपर में खोल दो। तो जैसे आप लोग इधर इसको ओपन करते हो तो ऐसे में आप लोगों को ये वाला इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे की तरफ एक बिकम अ टेस्टर का ऑप्शन देखने के मिलेगा, आप लोग टेस्टर बन सकते हो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के। तो आप लोग जैसे ही बिकम अ टेस्टर वाले बटन पर क्लिक करोगे आप लोग जो है वेरीफाई हो जाओगे या फिर आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे टेस्टिंग इसकी मतलब टेस्टिंग करने के लिए। तो आप लोग को सिंपली क्या करना, नीचे की तरफ आना, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले का बटन मिलेगा, सिंपली आप लोग को वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे प्ले स्टोर के ऊपर में आ जाओगे, यहां पर फिर आप लोग को इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। डायरेक्टली जाओगे तो आप लोग को इंस्टॉल का बटन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गाइस लिटरली अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के आगे इंस्टॉल का बटन आ चुका है, तो फटाफट से उसको प्रेस कर देते हैं एंड फाइनली हमारा गेम जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे मेरे भाई पूछते हैं कि गेम का साइज क्या रहने वाला है, तो देखो 715 MB आप लोग को यहां से डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद जो रिसोर्स पैक होते हैं, दो तरह के पैक मिलते हैं आप लोग को, एक लो वाला मिलता है एक हाई वाला मिलता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग उन प्लान को फिर चूज कर लेना। बाकी इधर से आप लोग को 715 MB तो डाउनलोड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे तो हमारा गेम जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल होने के बाद फटाफट से भाई साहब प्ले वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। मतलब बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है, इसके लिए हमने इतना वेट करा है, लिटरली बहुत वेट करा है इसने। अब जैसे हम लोग का जो है गेम ओपन होता है तो सबसे पहले आप लोगों को क्राफ्टन की एक बहुत बड़ा सा एक मतलब बैजिंग देखने के लिए मिलती है। अब ये क्राफ्टन क्यों इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो गेम है वो प्योरली क्राफ्टन ने ही डेवलप किया है, यानी कि ये इंडिया के लिए जो बनाया गया गेम इसमें सिर्फ क्राफ्टन का ही हाथ है और कोई दूसरी कंपनी का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। अब इधर डाटा ट्रांसफर से रिलेटेड आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल आएंगे, डाटा ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे हम लोग डाटा को ट्रांसफर करेंगे। तो देखो मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं, डाटा ट्रांसफर की नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे आप लोग उनको फॉलो करके अपने डाटा को ईजिली ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी कोई इधर गलती वलती मत कर देना जिससे कि आप लोगों को अकाउंट में कोई दिक्कत परेशानी हो जाए। बाकी वीडियो को वेट करो, आज के दिन मैं दूसरी वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें डाटा ट्रांसफर की सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों को रिसोर्स पैक को जो है चूज करना पड़ेगा, तो मैंने इधर हाई वाले चूज करें जो कि 618 MB के मुझे पड़े हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात करी जाए तो आप लोगों को 1300 MB की जरूरत होगी एंड उसके बाद में आप लोगों का गेम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसी रिसोर्स पैक डाउनलोड होंगे। तो आप लोगों को फटाफट से फिर से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर क्लिक करना है एंड लिटरली गाइज ये वाली ऐप मोबाइल फोन के अंदर में देख करके अलग ही एक मतलब खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब मजा आ रहा है। बाकी iOS वालों के लिए ये सीन रहने वाला है, काफी सारे लोग बोलेंगे भाई iOS का क्या हुआ, तो iOS वालों के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा अभी एक दो दिन का वेट कर लो, आपको तो डायरेक्टली गेम डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और गाइज लिटरली अब इसके अंदर टेंशन का कोई हाथ नहीं है, तो हम लोग इसको बिल्कुल फ्रीली माइंड से खेल सकते हैं। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो सबसे पहले ये आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता है, बट ये बहुत जल्दी हट गई, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोगों के सामने प्राइवेसी पॉलिसी वाली सारी की सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं एंड देखो इधर भी इफेक्टिव डेट जो है वो 18 लिखी हुई है, लेकिन एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग इसको जो है डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वरना इनको इग्नोर करके आप लोग डायरेक्टली गेम के अंदर लॉगिन हो सकते हो। तो लॉगिन आप लोगों को फिलहाल के लिए अगर आप लोग अपने मेन अकाउंट से होते हो, यानी कि जो ग्लोबल वाला अकाउंट था उससे अगर आप लोग लॉगिन करते हो तब भी आप लोगों को अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा, या फिर आप लोगों के पास में कोई डेमो अकाउंट पड़ा है उससे लॉगिन करते हो तब भी आप लोगों को अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा। बस आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, अंकित सर मैं आप लोगों को पहली एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपको ये जो डाटा ट्रांसफर है इसके बारे में आप लोग थोड़ी ज़्यादा हड़बड़ी मत करना, किसी भी बंदे की अच्छे से वीडियो देख करके फिर डाटा को ट्रांसफर करना, क्योंकि आप लोग अपनी मर्जी से करोगे कुछ दिक्कत भी हो सकती है। बाकी ये जो डाटा ट्रांसफर वाली सारी की सारी चीज़ें हैं ये दिसंबर तक चलने वाली है, मैंने इसमें पढ़ लिया है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं वो चीज़ भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आप लोग तसल्ली से अपने डाटा को जो है ट्रांसफर करना। बाकी आप लोगों को एक इस तरह की एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी, मुझे लगा ये एरंगल 2.0 की है बट ऐसा नहीं है, ये बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की है। और कुल मिलाकर के इसके अंदर में यही सारी चीज़ें दिखाई गई है कि जैसे हमारी पहले पुरानी यादें थी थोड़ी बहुत, अभी आप लोग जैसे इसके सर्कल के अंदर घुसोगे तो जब आप लोगों को पता चलेगा एंड आप लोग एक नए वर्ल्ड में चले जाओगे, यानी कि जब पबजी मोबाइल बैन था वहाँ से लेकर के बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर आने तक का पूरा एक तरह से इन्होंने जो है सफर दिखाया है आप लोगों का, जो कि कुछ इस तरह का रहने वाला है। एंड इसके अंदर से जैसे आप लोग पास होकर के दूसरी तरफ निकलते हो तो वहाँ पर आप लोग को बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड लिटरली गाइस मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ एंड आप सभी बहुत
ज़्यादा खुश हो गए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि सभी को पता चल जाए कि भाई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ईयरली एक्सेस फाइनली आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आप लोग के सामने नजर आ चुका है। इसके बाद आप लोगों को अपने करेक्टर को जो है चूज़ करना पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे भाई ये तो बिल्कुल एक न्यू अकाउंट बन रहा है, तो हाँ आप लोगों को एकदम न्यू अकाउंट ही बनाना है। जब आप लोग एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद अंदर जा करके आप लोग जो है अपने डेटा को ट्रांसफर करने वाले हो। तो जैसे कि आप लोग अभी इधर देख सकते हो हमारा गेम फाइनली लोड हो चुका है। सबसे पहली जो चीज़ आएगी आप लोगों के सामने वो अकाउंट ट्रांसफर को लेकर के आएगी या फिर डाटा ट्रांसफर को लेकर के आएगी। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं इधर आप लोगों को सबसे पहले तो यस करना है, और अगर आप लोग अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना चाहते या फिर अगर आप लोग इंडिया से नहीं हो तो आप लोग ऐसे में नो भी कर सकते हो। बट अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो आप लोग इसको यस करना। बट इसके आगे काफ़ी सारे ऐसे ऐसे स्टेप हैं जो कि मैं आप लोग को आगे वीडियो में बता दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो बना करके प्रॉपरली समझा दूंगा। बाकी फिलहाल के लिए मैं ये सारी चीज़ों को स्किप कर देता हूँ एंड एक बार दिखा देता हूँ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का फर्स्ट इंटरफेस। तो जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो एक इवेंट भी आया हुआ है इधर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया करके, जिसमें आप लोग को एक आउटफिट को चूज करना है। तो मैंने इधर बेकार से एक आउटफिट चूज कर लिया। बाकी ये पूरा डेमो देगा आप लोग को, एक तरह से पूरा एक फ्रेश गेम है तो इसलिए आप लोग को पूरा डेमो मिलेगा। पहले आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है, बट मैं आप लोग को मेन चीज़ दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग को यकीन हो जाए कि भाई ये बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर में सच में चेंजेस करें, क्योंकि आप लोगों को कुछ लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर कुछ चेंज भी हुए हैं। तो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ इस ऐप को हटा करके, तो आप लोग देख सकते हो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर हूँ फिलहाल मैं। और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पर भी जितनी भी जगह पर पबजी मोबाइल यूज़ होता था वहाँ पर अब से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यूज़ होगा। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो इधर एक स्क्रैप कूपन है, इसके ऊपर में जैसे पबजी मोबाइल लिखा होता था इधर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लिखा हुआ है। तो फाइनली आप सभी को पता चल ही गया होगा कि भाई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया वापस से आ चुका है। तो अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, फटाफट से वाले लिंक के ऊपर में क्लिक करो, फटाफट से इसके टेस्टर बन जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें कितनी लिमिट बनाई हुई है, कितने लोग इसको खेल सकते हैं। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। तो चलिए अभी के वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इतना ही, वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और मैं वापस से आप लोगों को बता दूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोग अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो।